वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. नो गॉड प्लीज नो नो. और सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और काफ़ी दिनों से मैं फ्री था और सोच रहा था क्या करूं. गीत की वीडियोस भी नहीं आ रही थी और क्योंकि मैं इस वक्त यूएई दुबई में हूं तो पैसा ही पैसा होगा. सोचा आज कुछ नई वीडियो डालते हैं. आज छुट्टी थी, फ्री टाइम था तो सोचा कि आज आज कोई वीडियो जा रहा हूँ. बुर्जमान में मैं बेड स्पेस पे हूँ और आपको बताता चलूँ कि जो लोग दुबई आना चाहते हैं उनके लिए कुछ वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालूँगा. क्योंकि मोस्टली लोग पाकिस्तान से दुबई आना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पे आके अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकें, कुछ मज़ीद अपने लाइफ को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे आते हैं. आप कह सकते हैं कि जॉब के सिलसिले में आते हैं या यहाँ से आगे जाने के लिए आते हैं. तो यहाँ पे आना तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. आप वहाँ से वीज़ा लिया, विज़िट वीज़ा, और यहाँ पे आ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे आके स्टे करना, रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हर एक चीज़ जो है वो आपको ख़रीद के ही खानी और पीनी पड़ती है. रहना भी, ट्रैवलिंग भी, आपको जो है वो सब कुछ एक्सपेंस आपका जो है वो पैसे से होता है, धर्म से होता है. तो यहाँ पे आने की तो हर एक की ख्वाहिश होती है लेकिन यहाँ पे आके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक जो है पहुँचे. और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो मैं यहाँ पे यूएई में करूँ वो आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, ज़रूर आएँ. मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ना आएँ, आप लोग आएँ. और लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर अपने दिल को मजबूत करके आएँ. ये ना हो कि आप लोग जो है वो आएँ और एक महीने में डिसर्ट होके आप वापस चले जाएँ. डू इट, जस्ट डू इट. तो आप ज़रूरी है कि आप लोग बढ़ें पाएँ अपने स्किल्स के साथ, अपने पैशन के साथ, अपनी जो भी आपके आगे गोल हैं, लाइफ गोल्स हैं, आप उनको अचीव करने के लिए दुबई में आते हैं. वेलकम. मैं इस चीज़ से आपको इनक्रेज करूँगा कि आप लोग आएँ. लेकिन आने से पहले अपने अंदर कुछ स्किल्स लाजमी लेके हैं, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग है, कुछ अदर्स स्किल्स हैं लाइक कंप्यूटर स्किल्स हैं. और कोशिश करें कि आपकी स्टडी अच्छी हो तो जॉब मिलना आसान होता है. लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. लेकिन मैं आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करूँगा जिनसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप लोग किसी मुश्किल में ना हो. यूट्यूब के इस चैनल पर मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपनी उन तमाम बातों से, अपनी उन तमाम एक्सपीरियंस से आपको जो है रोशनास करूँ, आपको बताऊँ. अभी मैं मेट्रो में हूँ और अपने रूम में जा रहा हूँ. रूम में जाके मज़ीद बात करते हैं. तब तक के लिए सी यू. जी तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं अपने स्टेशन पे, बुर्जमान स्टेशन पे. और यहां से अब मैं अपने रूम तक जाऊंगा.
तो मैं आपसे बात कर रहा था और आपको बता रहा था कि जब आप यहाँ दुबई आना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो बहुत से लोग जो है इस बारे में ये कहेंगे कि भाई तेरी अपनी बड़ी एजुकेशन है, आप भी तो जी में PhD करके गए हैं आप। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी भी कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों को बात करना आना चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जहाँ पे भी आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। बेशक बाद में वो उर्दू ही बोलें, हिंदी ही बोलें, लेकिन आपका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में होगा। सो इस बात को मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि वो मैंने इसलिए कहा कि आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, ख़ास तौर पर आपके जो है वो इंग्लिश स्पोकन आपकी ठीक होनी चाहिए। और सॉरी, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी ठीक होनी चाहिए ताकि आप किसी से बात कर सकें, किसी से जो है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको मुश्किल ना हो। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनको ज़रा नहीं पता इंग्लिश का, ऐसे तो नहीं होता है, और वो भी यहाँ पे जॉब्स करने हैं। लेकिन उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास एक हस्ती है और वो है खुदा, अगर वो आपके साथ है तो आपको किसी एजुकेशन की, किसी सिफारिश की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खुदा आपके लिए खुद आपके रास्ता को हमवार करेगा, आपके रास्ता को, आपके लिए वसाइल को मुहैया करेगा कि आपकी जॉब और जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे हो सकें। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे लिए तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और मुझे ये मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। कि अगर आप लोग आते हैं तो सबसे पहले तो आपका खुदा आपके साथ होना चाहिए। खुदा तो एक ही है, लेकिन आई डोंट नो कि आप क्या क्या ईमान है। मेरा ईमान तो ये है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वही सब कुछ करेगा। हाँ, एक और चीज़ भी है कि सिर्फ खुदा पे नहीं छोड़ना, अपनी भी मेहनत करनी है। जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें कहानी पढ़ते आए हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अगर आप खुद कोई अपने लिए मदद नहीं करते तो खुदा आपकी कैसे मदद करे। तो अपने लिए आपने भी अपनी जो है वो कोशिश करनी है, अपनी भी अपने हिम्मत लगानी है और कोशिश करनी है कि आपको जॉब मिले। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपने खुद ही करनी है, आपने खुद जान मारनी है, जॉब्स के लिए जाना है, सर्च करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले खुदा को आगे रखें, खुदा से कहें और खुदा को साथ रखें। अगर खुदा आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आगे चल के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे किन किन हालात का सामना करना पड़ा और मैंने कैसे सर्वाइव किया। आपको भी इन चीज़ों से जो है वो रोशनास करूँगा। सो मैंने सिर्फ इस चीज़ को क्लेरिफाई करना था कि मैंने जो बात एजुकेशन की, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, PhDयां की हुई हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन वो सड़कों पे फिर रहे हैं जॉब की तलाश में। क्यों? मैं अपने लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे जॉब दी और मेरे लिए वसाइल को खुला ताकि मैं यहाँ पे स्टे कर सकूँ और खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ। और बस अभी अब रूम की तरफ जा रहे हैं, रूम में जाएंगे, वहाँ पे रूम में जाके और आज क्या करना है तो आज कोशिश करेंगे कि कपड़े धो लें और उसके बाद एक दफ्तर में जाना है कुछ मालूमात के लिए। तो आज का दिन तो ऐसे ही गुजर जाएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए खुदा निगहबान और कोशिश, और मिलते हैं। मैं अभी रास्ते में था तो मुझे एक हुसैन अदी बैंड वालों का एक गीत याद आ गया, उन्होंने वो गीत गाया था, मेरा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरी सिपर
और मेरी ढाल है, तो मेरा ईमान है खुदा मेरे साथ है और मेरी सिपर और मेरी ढाल है। और आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट आप सब के लिए भी। जो जो आना चाहते हैं ज़रूर आएं और अपनी कोशिश करें आगे बढ़ें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए खुदा ने के बान।